अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल है सबका, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हायर का रेफ्रिजरेटर, जो स्मॉल साइज़ में है, जो इसका आखिरी साइज़ है रूम साइज़ से, जो ना ऊपर इसका आखिरी साइज़ जो यही होता है इसका हायर का रेफ्रिजरेटर। आज हम इसकी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, प्राइस और जो है ना इसकी कैपेसिटी के ऊपर बात करेंगे। ओवरऑल इसके लुक के ऊपर भी देखेंगे किस तरह इसमें जो है ना मटेरियल यूज़ किया गया है साइज़, और इसके अंदर का कंपार्टमेंट भी आपको दिखाएँगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो ना हायर की ये कंपनी है, जो इसकी 10 साल की वारंटी है कंप्रेसर की। कलर इसमें दो होते हैं, एक ये ग्रे कलर में है और एक गोल्डन कलर में होता है। तो जो है ना ये सिंपल स्टफ़ में है, और इसी का एक और मॉडल होता है जो ग्लास डोर में होता है, जो ये साइड में लगा हुआ है। ये मॉडल आप देख सकते हैं इसका, ये जो है ना ये ग्लास डोर का मॉडल है इसका हायर का। तो ग्लास डोर का ये मॉडल है, इसमें जो है ना ग्लास डोर लगा होता है। तो ये थोड़ा सा प्राइस इसकी ज़्यादा होती है। इसमें भी कलर अवेलेबल होते हैं, इस तरह ब्लैक कलर में, रेड कलर में, और इस तरह वुडन कलर में भी होते हैं। तो ये सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो है ना इसकी कैपेसिटी के ऊपर बात करते हैं। कैपेसिटी इसकी जो है ना ये है 216 लीटर का, और कैपेसिटी के ही साथ इसका कोड होता है 216 मॉडल है ये HRF 216। प्राइस की भी बात करेंगे, जो ये सिंपल स्टाफ में है इसकी प्राइस तकरीबन मार्केट में मिल जाएगा आपको ये 38,000 तक का, 38,000 का ये रेफ्रिजरेटर आपको मार्केट में मिल जाएगा। वैसे जो है ना इसके ग्लास डोर के मॉडल की प्राइस की बात करें, तो ग्लास डोर का मॉडल इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, ये आपको मिल जाएगा 41,000 तक का। कैपेसिटी की बात करें तो अंदर मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंपार्टमेंट, 216 लीटर का होता है ये। ये देख सकते हैं इसका ऊपर का जो है ना ये कंपार्टमेंट है, इसमें सेम प्लेटें दी गई हैं जो है ना इसकी, और जालियाँ वगैरह हैं, और इसमें LED लाइट्स नहीं होती। नीचे कवर दिया गया है इसका, पाइप्स जो होते हैं इसके उसको छुपाने के लिए। तो इसके साथ जो है ना ये साइड में बॉटल्स के लिए जगह दी गई है। इसका नीचे का कंपार्टमेंट भी देखते हैं, ये इसका नीचे का कंपार्टमेंट है। इसमें डिजिटल जो है ना नहीं होता, इसमें एनालॉग लगा हुआ है कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल इसका। LED लाइट्स दी गई है, और इसमें जो है ना ये इसका वेजिटेबल का बॉक्स है, इसमें बॉटल्स के लिए है ये जगह। और ये देख सकते हैं आप इसका जो साइज़ है 216 लीटर का। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी, ये लॉक है इसका, ये भी देख सकते हैं उसका लॉक फ्रंट में है, इसका साइड में है ग्लास डोर का, क्योंकि इसमें फ्रंट में नहीं लगाया जा सकता। तो इसकी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये 120 वाट का है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 120 वाट। और जो है ना ये इसका कलर है ग्लास डोर का। इसके अलावा जो इसके ऊपर एक और मॉडल आता है फिर 246, ये 246 मॉडल है, फिर आता है 276, ये 276 है। इसी तरह ये जो मॉडल है ये आपको मिल जाएगा जो है ना ये 45,000 तक का, और ये आपको मिल जाएगा 48,000 तक का। ये देख सकते हैं साइज़ इसके बराबर के जो है ना नहीं आ रहे, इससे बड़े हैं थोड़े से। फिर इसी तरह जो है इसके बाद एक और मॉडल आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये 336 का ये मॉडल है, फिर ये मॉडल है, इनमें भी ग्लास डोर मिल जाता है। फिर एक और आया है का ये मॉडल आता है, इसके बाद एक और ये डिजिटल का मॉडल है, इसमें जो है ना डिजिटल पैनल और कंट्रोल है, इसमें ग्लास की प्लेटें दी होती हैं, ये डिजिटल इन्वर्टर है, इन्वर्टर भी साथ होता है ये। और ये जो है ना ये बड़ा न्यू मॉडल आया है 2022 का, ये मॉडल आया है नया लेटेस्ट मॉडल है, इसमें भी डिजिटल है और ग्लास की प्लेटें हैं। वो प्राइस के हवाले से मैं आपको मेंशन कर दूंगा, जो सा भी आपको मॉडल जो है ना इसका कोड भी आपको बता देता हूँ। इसका 438 है, 438 लीटर का होता है, ये जम्बो साइज़ का है। इसके अलावा किसी भी रेफ्रिजरेटर के मतलब आपको मालूम चाहिए, पैल का हो चाहे वो हायर का हो, किसी भी रेफ्रिजरेटर का हो, उसका जो है ना मैं आपको मॉडल और स्पेसिफिकेशन आपको कमेंट्स कर दूंगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।